आपका मोबाइल में मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, उसमें CSB नेट बैंकिंग का यूजर आईडी रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके CSB बैंक का ऐप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉरी गलत हो गया, CSB बैंक नीचे ओवर करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले से मेरा इंस्टॉल था बोल के नया आपको फिर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूछेगा आपका यूजर आईडी जो आपको मैसेज में आया, वो यूजर आईडी आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको एक और जनरेट करने पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको MPIN पूछेगा। MPIN आपका बैंक से एक, जैसे बैंक से भेजाते हैं उसमें एक एनवलप में आपको भेजाएगा MPIN। वो MPIN डालने के बाद आपको MPIN डालने के बाद आपको OTP लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको MPIN चेंज आप कर सकते हो, जाके जो रहेगा वो देना पड़ेगा। फिर आपको जो न्यू MPIN नंबर आपको जनरेट करना है तो आप कर सकते हो। फिर कंफर्म MPIN नंबर, फिर सबमिट, ये हो गया आपका मोबाइल बैंकिंग।